और अब क्या बेहतर प्रोजेक्शन जो है वो सामने आएगी। तस्वीर भी हटा दी गई है बेनजीर साहिबा की, और कायदे आजम की तस्वीर जो है वो भी इस प्रोग्राम में लगा दी गई है। देखें, इनका बुनियादी जो मकसद था वो वही था कि बेनजीर की तस्वीर हटानी है, वो इनको खटकती है, वो भुट्टो साल से लेकर भुट्टो का नाम जो है ना इनको खटकता है। अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई बेनिफिशरीज थे, काश उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता, काश इसमें जो भी ब्लैक शीट थे उनसे साफ किया जाता। ये इतना बड़ा नंबर बताकर एक्शन क्या लिए? 22 ग्रेड के ऑफिसर की अगर बीवी पैसे ले रही है, कौन सा 22 ग्रेड का ऑफिसर इन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की है? एक भी बताएं। बिस्क के नाम ले रहे हैं कि बिस्क से कितने बंदे हैं जो इनसे बेनिफिशरी से, कितने अफसरान को बिस्क से खुद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कितने बंदों को निकाला गया है? ये एक जबरदस्त प्रोग्राम, एक बेनजीर प्रोग्राम, उसको ये बदनाम करने की साजिश है, पीपुल्स पार्टी पे इल्जाम लगाने की साजिश है, जो पहले दिन से इन्होंने तय करके रखा है। हमें काम कोई नहीं करना, हमें अच्छाई कोई नहीं करनी है, जो पहले से सिस्टम मौजूद है या पहले जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे ही गंद फेंकना है। मैं पीपुल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा करता हूँ कि जिसने भी गवर्नमेंट मुलाजिम ने या जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, गरीबों का ये पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे जो लोग हैं।